नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी थी दोस्तों, थोड़ी सी मज़ा किया वो कहानी थी, लेकिन उस कहानी में बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने वाली थी। एक बहुत बड़ी दोस्तों, एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी, उसने कुछ लोगों के इंटरव्यू ले अपने कंपनी में जॉब के लिए। और वो ऑनलाइन इंटरव्यू थे, मतलब घर पर ही बैठ के जिस तरह से वीडियो कॉल पर इंटरव्यू लेते हैं वैसे लिए उन्होंने। और उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस तरह से पूछे जाते हैं। और उसके बाद जिस तरह से, मतलब अगर हम किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो वो कंपनी वाले उनकी कंपनी में किस तरह से काम होता है ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं उसका डिटेल में वगैरह। तो उसी तरह से उस इंसान ने कहा कि हमारे कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो हमारे कंपनी का ये फार्मूला है या फिर इस तरह से काम होता है कि आपको दिन में 2400 घंटे काम करना पड़ेगा, ये पहली शर्त। तो वो जो बेचारे, एक तो बड़ी कंपनी तो ये कुछ बोल भी नहीं सकते बेचारे एम्प्लॉय जो इंटरव्यू देने के लिए आए थे कैंडिडेट, तो वो सुनते ही रहे। वो मतलब एक और ऐसा ही इंसान, वो ऐसे कोट बीट पहन के एकदम बहुत ही बड़ा इंसान उसका इंटरव्यू ले रहे, तो उसको वो बोलेंगे भी क्या? तो वो ऐसे हाँ बोले, ऐसे मतलब चेहरा करके। तो बाद में उस इंसान ने कहा कि और दूसरी एक बात ये है कि तुम्हें जो पगार दी जाएगी, तुम्हें जो सैलरी दी जाएगी तनख्वाह महीने की, वो होगी कुछ भी नहीं। मतलब दो बड़ी शर्तें उसने रखी। पहली तो ये कि तुम्हें 2400 घंटे दिन में काम करना पड़ेगा, मतलब आपको रेस्ट मिलेगी ही नहीं। और दूसरा कि इस काम के लिए आपको 1 रुपये की भी मतलब सैलरी दी नहीं जाएगी। तो ये बात सुनकर तो वो लोग हड़बड़ा गए और कहने लगे कि हमें फ्री में करना होगा क्या, ऐसे तुम कैसे कह रहे हो, तुम हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो वगैरह, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तब उस इंसान ने कहा कि मैं तो आपके साथ क्यों मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मतलब दुनिया में अरबों लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो कोई भी पूछेगा कि कौन, ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। सारे लोगों ने वही पूछा कि ऐसे कौन काम करेगा जो मतलब 2400 घंटे काम भी करो और उसके लिए उसको कुछ भी दिया भी नहीं जाएगा। तब उस इंसान ने एक शब्द में कहा कि हमारी माँ। और उस दिन दोस्तों उन लोगों को एक ऐसे कहते हैं ना कि मजाक किया गया था उनके साथ, या फिर एक प्रैंक वो था, मजाक मतलब उस तरह से नहीं, लेकिन एक सर्वे टाइप का एक कहानी थी कि एक माँ या फिर हमारे माता पिता कभी कभी हमारे लिए 2400 घंटे काम करते हैं और उसके लिए वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, कुछ भी आशा नहीं रखते इन सारी चीज़ों से। और उस इंसान ने ये कहा कि आज मदर्स डे है, इस वजह से हमने इस तरह से मतलब लोगों को साथ कम्युनिकेशन करके उनको इस तरह से मतलब कहने की कोशिश की थी। और उन लोगों को भी, उन लोग सारे लोग हंसने लगे और कहने लगे हाँ आप ठीक कह रहे। ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सिर्फ माँ या फिर पिता की बात नहीं है दोस्तों, जीवन में हमारे बहुत सारे लोग आते हैं। अगर हम, मैं कहूँ कि हज़ारों लोग भी अगर आते हैं तो भी ठीक है, कि ऐसे लोग जो हमें छोटा मोटा कुछ करते हैं हमारे लिए, कुछ ऐसे भी उसमें से 100 लोग होते हैं कि जो बहुत ही बड़ा कुछ हमें मदद करते हैं, बड़ी मदद। समझो मैं कहीं इंटरव्यू के ले जा रहा हूँ किसी अलग शहर में, वहाँ पर मेरा पहचान का कोई नहीं होता, ऐसे वक्त में हमारे पड़ोसी या फिर हमारा कोई दोस्त कहता है कि वहाँ पर हम उनका कोई रिश्तेदार या फिर उनका दोस्त है, उनके घर पे तुम ठहर सकते हो। ये हमें लगता है कि ये छोटी सी मदद है, लेकिन हाँ उनके हिसाब से हो सकती है छोटी सी, उन्होंने सिर्फ एक फ़ोन किया या फिर उन्होंने एक सिर्फ दिन हमें रखा हुआ घर पर, लेकिन अगर सोचा जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी मदद है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत, जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी हम उन्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोलते, या फिर हम अपने जीवन में बिजी होते हैं या फिर हम हमारे टेंशन में होते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जब आपको पॉसिबल हो, मैं ये नहीं कहता उसी वक्त, कभी कभी हमारी प्रॉब्लम होते हैं हम थैंक्स बोल के चले जाते हैं, लेकिन जब आपको पॉसिबल हो तो वैसे लोगों को एक, आपने जो भी हमारे लिए किया है मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा, या फिर ऐसे लोगों के लिए अगर हम कल कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसका मतलब उनका धन्यवाद करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। ये जो बात है दोस्तों, एक अच्छे इंसान की बहुत ही बड़ी निशानी है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में देखें तो उनके लिए जिन्होंने मतलब थोड़ा सा भी अगर कुछ किया था, उन्होंने उनको बहुत कुछ देने की कोशिश की है। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा दूसरों की हमें कदर करनी चाहिए, और जिन लोगों ने हमारे लिए थोड़ा सा भी अगर कुछ किया है तो ऐसे इंसान को हमें मरते दम तक कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी ये इंसान हमें दिखते हैं लेकिन इसके पीछे ईश्वर ही होता है जो इनके ज़रिए हमें मदद करता है। तो अगर हम इन लोगों को कभी कुछ छोटा मोटा कुछ करने की कोशिश कर सके तो वो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम ईश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि, और हमारे अगर परिवार वाले, उनके बारे में तो कोई क्या कहना, वो हमारे लिए कितना बड़ा कुछ करते हैं, हमारे माता, हमारे पिता,
हमारे कोई बड़े भाई भाई बहन वगैरह हो, हमारे छोटे भी भाई कभी कभी, मतलब ये सारे ऐसी मदद करते हैं कि हम उन्हें सोच भी नहीं सकते। या फिर मुझे लगता है कि माता पिता का तो कर्ज़ा हम कभी जीवन में उतारे ही ना, और वो इतना मतलब बड़ा होता है कि हम उसे उतार भी नहीं सकते। लेकिन जितना हो सके उनकी खुशी के लिए, अगर थोड़ा सा भी हमें दुख उठाना पड़े तो ठीक है, लेकिन उनकी खुशी के लिए अगर हमें कुछ करने की मतलब संधि मिले तो हमें करने की कोशिश करनी होगी। और जीवन में दोस्तों एक अच्छा इंसान जिसको कोई भी कुछ बुरा नहीं कह रहा, एक ऐसा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बनने की कोशिश करनी होगी। मुझे भी पता है कि जीवन में हम कितने भी अच्छे मूल्यों को लेकर चले, उसको कुछ कोई ना कोई नाम रखेगा ही, उसको बुरा भला कहेगा ही, लेकिन हमारे मन से मतलब दोस्तों हमें पवित्र बनकर एक अच्छे इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी और जीवन का सार्थक हमेशा करना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।